बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑन द डिमांड ऑफ मुस्कान फ्रॉम शीशमबाग फतेहगढ़। ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स की है। सो दैट द एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम दो ऐसे मैट्रिक्स के सम की फार्म में लिख सकते हैं जिसमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी और दूसरी एसक्यू सिमेट्रिक। लेकिन ये लिखने का तरीका जो होगा वो यूनिक होगा, एक्सप्रेस करने का जो तरीका होगा यूनिक होगा। तो इसके प्रूफ में सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और ए मैट्रिक्स को इस तरीके से दो पार्ट में बांट देंगे, 1/2a प्लस 1/2a। अब हम जितना इसके ए का जो ट्रांसपोज होता है जिसको ए डैश से या ए टी से डिनोट करते हैं, तो हम इन दोनों में इसमें ऐड कर देंगे पहले वाले में और दूसरे वाले में से माइनस कर देंगे ताकि इस पर कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े। तो हमने जितना ऐड किया था उतना ही सब्ट्रैक्ट किया, यानी कैंसिल होके जितना था उतना ही आ जाएगा। तो हम ये मैट्रिक्स ए की लेके चल रहे हैं और इसमें इन दोनों में से हम 1/2 को कॉमन लेंगे तो ए प्लस ए डैश मिलेगा, हमको ए डैश मिल जाएगा। और लास्ट के दो मैट्रिक्स में 1/2 कॉमन लेंगे तो ए माइनस ए डैश मिल जाएगा। इस को हम पी से अगर डिनोट कर दें और दूसरे वाले को हम क्यू से डिनोट कर दें तो ए की वैल्यू पी प्लस क्यू हो जाएगी। यानी यहाँ पर हमने जो पी लिख दिया है, यानी पी है किसकी जगह पर, तो बता दें कि पी 1/2 ए प्लस ए डैश की जगह पर क्यू है, पी है सॉरी, और q जो है वो 1/2 a माइनस a डैश की जगह पर है। अब हम ये दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर कि a मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और q इसकी सिमेट्रिक होगी। यानी हम चेक कर लेंगे कि क्या p सिमेट्रिक और q इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसके लिए चेक करने के लिए हम लोग जानते हैं किसी मैट्रिक्स को कि वो कैसी है, सिमेट्रिक है या एसक्यू सिमेट्रिक, उसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं यानी डैश लगा लेंगे। तो पी जिसकी वैल्यू है 1/2 ए प्लस ए डैश, तो इसका लगेगा ट्रांसपोज। तो मैं मालूम है यहाँ पर मैट्रिक्स और इसमें स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्केलर पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जब ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज सिर्फ जो मैट्रिक्स है उस पर ही ट्रांसपोज लगेगा, यानी ए प्लस ए डैश जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। अब ये भी हम लोग जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का अगर सम हो तो उसका ट्रांसपोज अगर लेना है तो फिर हम लोग जानते हैं कि दोनों मैट्रिक्स के अलग अलग जो दोनों मैट्रिक्स हैं उनके ट्रांसपोज के बराबर होगा। मीन्स ए का ट्रांसपोज लगा देंगे और इसी तरीके से जो दूसरी मैट्रिक्स है हमें उस पर भी ट्रांसपोज लगा देंगे। मीन्स ए डैश दूसरी मैट्रिक्स है तो इसका भी ट्रांसपोज हो जाएगा। और एक रूल हम लोगों ने ये भी पढ़ रखा है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का भी अगर ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाती है। तो इसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा ए डैश ताई ये चल ही रहा था और ये वैल्यू ए के बराबर हो जाएगी। और दो मैट्रिक्स का जो सम होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो इसलिए हम ए को अगर पहले लिख दें और ए डैश को बाद में लिख दें तो ये वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जो ये वैल्यू है वो कोई और नहीं, पी जिसको माना था वही है। इस तरीके से हमने देखा जो पी डैश है वो पी के इक्वल आ गया। इसको मानते ही ये पता चल गया कि जो पी मैट्रिक्स है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इम्प्लाइज दैट पी इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्यू के बारे में और देखना है कि वो कैसी मैट्रिक्स होगी, तो उसका ट्रांसपोज लेके ही पता चलेगा कि वो सिमेट्रिक है या एसक्यू सिमेट्रिक या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्यू की वैल्यू है 1/2 ए माइनस ए डैश, मींस ए का ट्रांसपोज, और उसका हमें ट्रांसपोज लेना है। जैसे कि पहले ही हमारा ये आर्गूमेंट हो चुका था कि स्केलर पर का ट्रांसपोज कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर, इसको स्केलर को ऐसे लिख देंगे जो मैट्रिक्स है ए माइनस ए डैश इसका ही ट्रांसपोज हो जाएगा। और ऐसे ही किसी दो मैट्रिक्स का डिफरेंस का ट्रांसपोज लेना है तो इनके अलग अलग ट्रांसपोज के बराबर होगा, मींस ए का ट्रांसपोज लग जाएगा और ए जो डैश है इसका भी ट्रांसपोज लग जाएगा। जैसे कि ऊपर अभी बताया था कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, तो इसमें भी इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ए क्यू डैश की वैल्यू चल रही थी आ जाएगी 1/2 ए डैश माइनस ए।
अब इन इस ब्रैकेट्स में माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो जो माइनस वाले टर्म थे वो प्लस हो जाएंगे, इसको हम पहले लिख दे रहे हैं, ये माइनस का हो जाएगा तो इसको हम बाद में लिख रहे हैं ए डैस। और फिर हम इस वैल्यू पर नज़र दौड़ाएं तो देखेंगे कि ये क्यू जो हमने माना था ये उसके ही बराबर है। तो इस तरीके से माइनस यहाँ पर अलग कर दीजिए, बाकी वैल्यू बची हुई है वो क्यू की वैल्यू है, यानी क्यू डैस की वैल्यू अगर क्यू के इक्वल माइनस क्यू के इक्वल आती है तो इसका सीधा मतलब ये दिखेगा। डेफिनेशन इसका हम लिंक भेज देंगे आप डिस्क्रिप्शन में कि क्या डेफिनेशन होती है इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, और इससे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो उस बेस पे हम यहाँ पर कह सकते हैं इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन से कि क्यू इज़ ए एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्यू, ये हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव कर दिया। यानी हम इक्वेशन नंबर वन को देखें तो इक्वेशन नंबर वन को देखें तो ए को हमने पी और क्यू मीन्स सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फार्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, यानी हमारा इसका एक पार्ट प्रूव हो गया। यानी इसको हम यहाँ पर लिख भी देंगे दस, यानी इस प्रकार वाई इक्वेशन वन से हम कह सकते हैं कि वी हैव एक्सप्रेस्ड, यानी हम एक्सप्रेस कर चुके हैं, रिप्रेजेंट कर चुके हैं, एक्सप्रेस्ड ए एस सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए इसको सिमेट्रिक, यानी हमसे यही करवाने को बोला गया था कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को, ए हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक और एसक्यू मैट्रिक्स के सम के फार्म में। अब इसमें एक पार्ट और रह गया, इसको हमें ये प्रूव करना है ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसके यूनिकनेस को चेक करने के लिए हम मान लेते हैं कि दो मैट्रिक्स ऐसी हैं इस यानी पी और क्यू के अलावा भी ऐसी मैट्रिक्स हैं जिसको जिसके तहत हम ए को इस तरीके से यानी सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके लिए मान लिया कि लेट ए इज इक्वल टू आर प्लस एस, और इसको हम डाल दें इक्वेशन नंबर हम डाल देते हैं इसे टू, इक्वेशन नंबर टू डाल दिया हमने। अब इक्वेशन नंबर टू डाला है और इसमें हमें ये माना है कि ये वैल्यू जो है बी अनदर, यानी एक दूसरी रिप्रेजेंटेशन है, दूसरा एक एक्सप्रेशन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेयर आर इज सिमेट्रिक, जिसमें आर जो है वो सिमेट्रिक है, एंड एस ए इज ए एस की सिमेट्रिक, एस को मैं इसको सिमेट्रिक माना है सिमेट्रिक। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारा एक्सप्रेशन था इक्वेशन नंबर वन था वो यूनिक है, बस एक ही तरीका होगा ए को सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मानने में, यानी हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि आर की वैल्यू पी के इक्वल होगी और एस की वैल्यू क्यू होगी, यानी ये कोई दूसरे अलग मैट्रिक्स नहीं होंगे बल्कि ये वही पुराने मैट्रिक्स होंगे जिस तरीके से हमने ए को सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक में इक्वेशन नंबर वन में रिप्रेजेंट किया था। तो इसको हमें प्रूव करना है, तो सबसे पहले तो हम ए का ट्रांसपोज लेंगे, और उससे पहले हम ये जो अभी लैंग्वेज लिखी है उस बेस पर हम लिख सकते हैं आर चूँकि माना हमने सिमेट्रिक तो उसका अगर ट्रांसपोज लेंगे तो उस आर के इक्वल होगा, और एस चूँकि एस के सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज माइनस एस के इक्वल होगा। तो हम इसका यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर थ्री का आगे यूज़ हम ए डैस की वैल्यू को फाइंड करने में हमें ज़रूरत पड़ेगी ए डैस की वैल्यू, ए जो अभी हमने इक्वेशन नंबर टू में माना है आर प्लस एस के बराबर है, इसका अगर ट्रांसपोज लेंगे तो दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज ही होता है, उनके अलग अलग
ट्रांसपोज की, क्लोगा मीन आर का और एस का ट्रांसपोज। अब इक्वेशन नंबर 3 से हम कह सकते हैं कि जो आर का ट्रांसपोज है वो तो आर के इक्वल है, लेकिन एस टेस्ट जो वैल्यू है वो माइनस एस के बराबर है। हमने यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन थर्ड। इसको ये प्लस इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगी, यानी आर माइनस एस हो जाएगा। ये वैल्यू हमने ए डैश की निकाली है। अब इक्वेशन नंबर 1 का और इक्वेशन नंबर ये 4 का यूज़ करते हुए यहाँ से हम आर और एस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर हम एस की वैल्यू, आर की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना चाहिए, इक्वेशन 2 को ऐड कर देना चाहिए हमें इक्वेशन 4 में। तो इक्वेशन नंबर 2 का जो राइट हैंड साइड है उसको अगर लेफ्ट में लिखें तो आर प्लस एस की वैल्यू ए के बराबर जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 है ये। और इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 4 के राइट हैंड साइड को अगर लेफ्ट में लिखें तो ये ए डैश के बराबर है, इक्वेशन नंबर 4 है। इनको हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने पर प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 टाइम्स आर हो जाएंगे, और यहाँ इनको ऐड करेंगे तो ए प्लस ए डैश हो जाएगा। इस तरीके से आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये ए प्लस बी में ये 2 से डिवाइड होके ये ए प्लस ए डैश की वैल्यू आ चुकी है। और ये वैल्यू अगर देखें हम तो ये कोई नई वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू जो है वो इक्वेशन हमने नहीं डाला इसको, ये वैल्यू पी की वैल्यू जहाँ पर हमने लिखा था ये इस पी की वैल्यू ही है। इसको चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 या कोई दूसरा इक्वेशन डाल के इसे बुला भी सकते हैं, या डायरेक्ट लिख देंगे वो पी की वैल्यू तो पीछे हम लोगों ने यूज़ की है, क्योंकि बता दें यहाँ पर कि पी की वैल्यू 1/2 ए प्लस ए डैश के बराबर है। इसी तरीके से अगर हम एस की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं इक्वेशन नंबर 2 और 4 से, तो इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 4 को माइनस कर देंगे, ताकि आर आपकी कैंसिल हो जाए और एस की वैल्यू मिल जाए। पिछली बार एस कैंसिल हो गए थे तो इक्वेशन नंबर 2 को लिख रहे हैं आर प्लस एस की वैल्यू ए के बराबर है इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 4 को इसी के नीचे लिख दें आर माइनस एस ए डैश के बराबर है इक्वेशन नंबर 4। अभी हम इनको माइनस करेंगे तो इनका साइन प्लस है तो अब माइनस हो जाएगा, इनका साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इनका माइनस, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों प्लस हैं तो 2 टाइम्स एस हो गए, और ए में से माइनस हो रहा है यहाँ पर ए डैश। इस मैट्रिक्स में 2 से डिवाइड हो जाएगी तो एस की वैल्यू आ जाएगी 1/2 ए माइनस ए डैश। तो देख रहे हैं ये भी कोई अलग वैल्यू नहीं है, बल्कि जो क्यू की वैल्यू थी वही वैल्यू है ये। इस तरीके से एस क्यू के बराबर आ गया और आर पी के बराबर आ गया। तो जो तरीका था रिप्रेजेंट करने का इक्वेशन नंबर 1 में, वही हो सकता है, वो यूनिक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ से, यानी आर और एस अलग अलग कोई नए मैट्रिक्स नहीं मिलेंगे आपको, अगर आर और एस दो सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक रिस्पेक्टिवली हैं और ए से के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं हैंस द एक्सप्रेशन, यानी जो रिप्रेजेंटेशन था हमारा, तो एक्सप्रेशन जो इक्वेशन नंबर 1 से दिया जा रहा है, एक्सप्रेशन 1 ऑफ ए इज़ यूनिक। हमको यही प्रूव करना था कि ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगा जो हमने सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक के फार्म में निकाला। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिस्निंग मी। वाकुर दावाना अलहमदिल्ला रबीआलमीन।